आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, सॉरी इब्राहिम। इब्राहिम को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही क्योंकि वो, इब्राहिम बात करें। आपको आ रही है? इब्राहिम अपनी शक्ल तो दिखा दो प्यारी सी, दिखाओ शक्ल चुन्नू ताकि दान देखो कैसे नहीं, क्या बोलू, मुन्नू बोलू फिर, चुन्नू नहीं बोलू तो सारा। सबीना आप किधर हैं पहले तो आप ये बताएं अपने सारे फैंस को। मैं अपने फैंस के दिल में अच्छा मेरी बात वो तो आप हैं। हाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ जी मैं, क्या करूँ, मैं कितनी काली लग रही हूँ आपके आगे, मेरा बहुत गोरी है माशाल्लाह। मैं शदीद सफेद लाइट के आगे बैठी हुई हूँ मैं, और आप बहुत प्यारी हैं और आप एक बहुत अच्छी एक्टर हैं। सुनो चंदा, मैं आपने बहुत अच्छा काम किया। असल में सभी ने जब भी मैं लाइव आती हूँ ना तो मैं ना होस्ट बन जाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा प्रॉब्लम। हाँ, मैं भी मैं कह रही हूँ रहने दो, मैं चुप पता नहीं होस्टिंग अभी आपके साथ, अभी आपके साथ हुई है ना होस्ट वाली, थोड़ी देर पहले आपके साथ हुई है ना, आप नहीं थी होस्ट। हाँ मैं नहीं थी ना तब होस्ट की, दानिश भाई भी होस्ट कर चुके हैं ना बहुत दफा, तो हमें आदत सी है कुछ ऐसे जीने की। तो अब मुझे बताएं सुनील चंदा का एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मुझे समझ नहीं आ रही है मैं लोगों से अगर कोई बात करना चाहती हूँ तो पता नहीं क्यों पूछते हैं हिरा के कश और सुनो चंदा, इतना मुश्किल है इसके बीच में चूज करना, क्योंकि सुनो चंदा एक मेरे लिए करियर के लिए बहुत अच्छा था और ऑब्वियसली लोगों को भी बहुत पसंद आया, लेकिन कश्फ ने मुझे बहुत, कश्फ की शूटिंग के दौरान मुझे जो लोग मिले स्पेशली आप, या कश्फ के दौरान जो और चीजें भी हुई ना आउट ऑफ शूट भी, उसने मुझे बड़ा चेंज किया है, तो मुझे समझ नहीं आती कौन सा ज्यादा अच्छा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छी एक्टर है सबीना, के साथ मेरा पहला सीन था और इस लड़की ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही जो है वो नहीं, एक होते ना कुछ आप एक्टर्स के साथ काम करते हैं, जैसे गलती में मुझे अनुषे ने बहुत हैरान किया टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरा अनुषे के साथ सीन था, और हालांकि गलती में बहुत बड़ी कास्ट है, लेकिन जब मेरा तुम्हारे साथ सीन था तो मुझे नहीं पता था कि इतना भी कोई नेचुरल हो सकता है, इतनी नेचुरल तुम्हारी एक्टिंग है। और सुनो चंदा भी मुझे याद है जैसी तुम आई थी वो डाइवर्जन हो गई थी फौरन से, क्योंकि आप जो है एक ही चीज देख रहे थे, तो तुम्हारा अचानक से वो कैरेक्टर, तुमने वो एक्सेंट और वो पठान जो तुम्हारा लहजा था वो तुमने कैरी किया। लोग कैरेक्टर बना लेते हैं, कैरेक्टर बनाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन कैरेक्टर को लेके चलना एंड एपिसोड तक, उसको सस्टेनिटी, वो एक मुश्किल चीज थी। तो क्या शुरू से शौक था एक्टिंग का, क्या था सिलसिला? नहीं, दिल टूटा था, देखा, तो यानी कि रॉक स्टार मूवी सही बनी थी कि जब दिल टूटता है तो आप। रॉकस्टार मूवी जब मैंने देखी थी ना, ऑनेस्टली मैं तब इतनी मैच्योर नहीं थी, अब मुझे दोबारा देखनी पड़ेगी, मुझे सब समझ नहीं आई थी, अब शायद समझ आ जाएगी, लेकिन हाँ ये बात बहुत सच है, मैंने और भी बहुत से एक्टर्स को ये कहते हुए सुना है, और दिल टूटा था और समझ नहीं आ रही थी, बस अपने आप को किसी तरह मनवाना था मुझे, लेकिन पता नहीं अब नहीं मनवाना है, अब तो भूल गई। बट ये के जो भी था, और मुझे लगता है कि वो एक कमाल था, और इनफैक्ट सबीना ने कश में जितने भी सीन्स मेरे साथ किए हैं वो बहुत, इनफैक्ट दानिश भाई हमें काफी ज्यादा जो है वो डांटते टपटते भी थे, और कभी कभी जो है वो बहुत सीरियस सीन में बहुत बुरी तरह हंसा भी देते थे, लेकिन उन सारी चीजों को, क्योंकि मैंने तो एक्टिंग की है ना, मैं तो तुमसे शायद 2-3 साल पहले से एक्टिंग कर रही हूँ, और मैंने कॉमेडी तो और बहुत शुरू से की हुई है, लेकिन जब मैं तुम्हें देखती हूँ या मैं और 2-3 लड़कियों को देखती हूँ तो मैं बहुत हैरान होती हूँ कि ना कोई हमारे पास इंस्टीट्यूट है, ना कोई ऐसी, हाँ ना कोई ऐसी स्कूलिंग है जिससे हमने कोई सीखा हो, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि जो नया टैलेंट है तुम्हारा टैलेंट, मुझे, मैं बहुत इम्प्रेस हुई सीरियसली। और थैंक यू हिरा। और अच्छा एक मैं बात कहना चाहूंगी, अभी जुनेद के साथ आप बात करी थी ना तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी सोच सोच के
इतना मुश्किल होता था. अच्छा मेरे लिए पता नहीं, रोमांस बहुत मुश्किल है. रोमांस इब्राहिम जानू मेरे लिए ना बहुत वो होता है, मुश्किल करना. लेकिन मैंने, मैं बात कर रही हूँ इब्राहिम, मैं लाइव हूँ अभी, डोंट अच्छा डिस्ट्रैक्ट डांटो तो राइट. नहीं. अच्छा क्या, हाँ वाओ वेरी नाइस. हाँ फिर वो मुझे दिखा रहा है, पता है मैंने इसके साथ खेली थी ना ये, तो हाँ मैंने मैंने रोमांस आपसे सीखा है. मैंने हमेशा देखा कि हीरा क्या करती है, लेकिन शायद मैं कर नहीं सकती आपके जैसा, थोड़ा बहुत ही शायद यार, मैं कितनी है ना. खुशकिस्मत हूँ कि मुझे जितनी भी लड़कियां काम करने के लिए मिली हैं वो कितनी प्यारी हैं. लोग गलत बात करते हैं कि इनसिक्योरिटी होती है एक्ट्रेसेस में और एक्ट्रेसेस आपस में फ्रेंड्स नहीं होती. लेकिन जब मैं सबीना से मिली हूँ तो मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि एक पढ़ी लिखी और बहुत अच्छे बैकग्राउंड से लड़की आई हुई है और इसमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, इसमें कोई ऐसी झिझक नहीं है और इतना टैलेंट है और इतना कॉन्फिडेंस है और इतना प्यार है. तो यकीन करो क्या मैं तुम लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ, सीरियसली. नहीं आपको नहीं पता मेरे साथ, मैं पता नहीं अब बाकी बुरा ना मान जाए, सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे रहे. मैं जिस भी सेट पर काम करके आई हूँ कष्ट से पहले, लेकिन जो आपने फील कराया ना मुझे, उसके बाद मेरा और दिल किया है कि नहीं मैं बनना चाहती हूँ एक बड़ी एक्ट्रेस. क्योंकि एक बड़ी एक्ट्रेस अगर आपकी तरह की है तो क्या बात है, मतलब अजीब आपने फील कराया कि सबीना स्टार तो तुम हो, मैं तो कुछ नहीं हूँ, ऐसे आपने नहीं तो फील तुम कराया स्टार मुझे. हो, तुम स्टार हो. देखो जिस तरह का यहाँ पे सिचुएशन है ना, देखो मैंने तो यहाँ पर मानी से शादी की है सबीना, और मुझे काफी इजी हो गया इंडस्ट्री में काम करना और लोगों के साथ इन्वॉल्व होना या ड्रामे करना या होस्ट करना. मैंने शादी की मानी से, मुझे होस्टिंग ऑफर हो गई. थोड़ी देर से बाद मैंने एक्टिंग करनी शुरू कर दी है. लेकिन जैसे तुम हो ना, तो तुम लोगों के लिए अपनी जगह बनाना यहाँ पर, इस जगह पर, इस ऐसे रश में अपने आप को दिखाना, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मैं सबके सामने कहना चाहती हूँ कि सब देख रहे होंगे. तो ये तुम्हारी अपनी मेहनत है कि सुनो चंदा में एक पठान लड़की आई और उसने सबको अपनी तरफ घुमा दिया. क्योंकि वो जब मेरा पहला सीन था तुम्हारे साथ तो मैंने तुम्हें इतना पहचाना नहीं था, ना ही मुझे इतना कास्ट का पता था कि कौन छोटी बहन है. तो वो जब मैं तुम्हें देखा तो मैंने देखा कि ये तो एक तो असल में ना बिल्कुल ही अलग शक्ल है सबीना की. वो शक्ल नहीं है जो आप देख रहे हैं अभी, ये शक्ल नहीं है, और भी बहुत ज्यादा प्यारी शक्ल है. और वो जब सीन हुआ तो मैंने देखा कि यार के देखो बगैर किसी रिलेशनशिप के आप इस इंडस्ट्री में आई हैं, ना आपके यहाँ पे फुप्पा है, ना आपके यहाँ पे ताया है, ना आपके यहाँ पे कोई कजन है, ना कोई जान पहचान है. उसमें अपने आप को मनवाना और वो जगह लेना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है. तो ये टैलेंट ही है ना, टैलेंट ही है जब भी यहाँ खड़ी भी हो. हाँ ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसमें मैं असल में सब दानिश सर जैसे डायरेक्टर्स जो हमारे जिनके साथ मैंने काम किया है, एसएन सर के साथ जैसे मैंने पहले काम किया था, इन डायरेक्टर्स को मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूंगी. मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई मेरा रिलेशन नहीं था इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन दानिश सर जैसे डायरेक्टर्स ने मुझे मौका दिया. उन्होंने मेरे अंदर एक ट्रस्ट रख के कि यार ये कर लेगी ये, मतलब मेरे लिए जोया का कैरेक्टर आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था. मतलब लगता शायद इजी है क्योंकि हम कर जाते हैं, लेकिन वो मुश्किल होता है. तो मेरा ख्याल है वो डायरेक्टर्स को क्रेडिट जाता है. और फिर आपकी मुझे एक बात कभी भी नहीं भूलेगी, हेरा ने, मैं बताती क्या किया था, जब इसके प्रोमो शूट हो रहे थे ना, तो हेरा ने दानिश सर को बोला कि प्लीज आप सबीना का एक अलग से प्रोमो शूट करें. उस दिन जानू मैंने नहीं, उस दिन जो है ना, मैंने ये बात, प्लीज जितने भी सुन रहे हैं ना लोग, ये कभी कोई एक्ट्रेस नहीं कह सकती. मैं हूंगी ना अगर कल को हीरा की जगह, मैं नहीं बोलूंगी कि हीरा को एक और शो दे अलग से, मैं नहीं बोलूंगी. सॉरी मैं बहुत ऑनेस्टली बात बता रही हूँ, मैं नहीं बोलूंगी. लेकिन हीरा के अंदर इतने गट्स हैं कि इसने दानिश सर को बोला कि दानिश सर प्लीज सबीना के अलग से प्रोमो शूट करें. क्या बात नहीं, कर दी क्योंकि आपने. ना क्योंकि मैं देखती हूँ ना आप लोग की जो मेहनत है, आप लोग का जो काम है, और इनसिक्योरिटी से, और ये काम ना बहुत दिल से जुड़ा है सभी ना. इसमें नियत का बड़ा काम है. अगर आपकी नियत अच्छी नहीं है आप कुछ कर लें, ये नियतों का खेल है, आर्ट नियत का गेम है. अगर मेरी नियत खराब होगी या बुरी होगी तो आगे जाके गोज अराउंड कम्स अराउंड, मेरे साथ भी ऐसा होगा. तो जो चीजें मेरे साथ बुरी हुई है ना इस इधर का ड्रामों में,
मैं वो अपने जूनियर जितने भी मेरे साथ सेकेंडरी एक्ट्रेसेस हैं, जैसे तुम हो इंशाल्लाह, तुम लीड भी कर रही होगी और कहीं ना कहीं करोगी, और मेरे साथ भी मैं चाहती हूँ कि जितनी भी एक्ट्रेसेस देख रही हैं ये और आगे काम करेंगी, तो अपनी जो जूनियर कास्ट होती है ना उनसे ड्रामा बनता है. मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती सबीना, अगर तुम अच्छा करोगी तो मेरा और अच्छा नजर आएगा. तो ये एक फैमिली का मिक्स होके एक चीज बनती है. मैं अकेले क्रेडिट नहीं ले सकती किसी भी चीज का, और होता भी नहीं है. हाँ, अगर और मेरी ऐसे ही बहन हर एक सेट, अच्छा, हाँ और ये हर सेट पे नहीं होता है, ये कश्फ के सेट पे स्पेशली ये चीज हुई है कि सबने एक दूसरे का ख्याल रखा, बहुत, सबने, इसमें कोई शक नहीं. ये इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, सबने एक दूसरे का ख्याल रखा. लगता है नहीं है कि हम मतलब अलग से कोई गैरों के साथ शूट कर रहे हैं, लगता है कोई घर का ड्रामा शूट हो रहा है. हालांकि कभी कभी जाहिर है डायरेक्टर साथ सो जाते हैं या कभी कभी प्रेशर आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन हाँ वो खैर अच्छा भी है. लेकिन नहीं लगता कि, पता नहीं, मुझे कभी, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है हमारी हीरा, लोग जितना मर्जी बुरा कह रहे, कभी मुझे किसी ने फील नहीं कराया, या आई एम श्योर बाकी जूनियर एक्टर्स को भी नहीं कभी भी ये शो कराया या फील कराया कि वो नए बच्चे पता है, हैं देखो या सबीना, उनको नहीं अभी आता. अभी तुम लोगों ने काम स्टार्ट किया है अभी. हाँ, अभी काम स्टार्ट किया ना तुमने, ये कल इंडस्ट्री तुम लोगों की है. देखो, हर बंदा कुछ अरसे इंडस्ट्री में रहता है, मैं भी कुछ ही अरसे होंगी, उसके बाद जो है मैंने बहन का कैरेक्टर करना है या माँ का कैरेक्टर करना है. अभी तुमने स्टार्ट किया है, नेक्स्ट तुम लोग होगे इंशाल्लाह. और जो तुम लोग जो, और आपको, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आपके छोटे होते हैं, तुम मुझसे एज में भी छोटी हो, तो आपके जो छोटे होते हैं ना उन्हें और प्यार से लेके चलना होता ज्यादा, है, क्योंकि अच्छा मैं तो आगे ज्यादा जब वो छोटी बड़े थी. हो तो वो अपने छोटों के साथ इसी तरह से रहें. और जो कि तुम रहती भी होगी, और तुम खुद भी बहुत काइंड हो. मुझे अभी तक याद है कि सबीना मेरे पास आई थी और सबीना ने कहा था, हिरा वो हमारे किचन में एक काम करते हैं, और उनको जो है वो, उन्होंने अपना घर पूरा बना लिया है, लेकिन उनको ना दरवाजे बनवाने हैं या खिड़कियां बनवानी है, उसके लिए उनको पैसे चाहिए. तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे लगा ये तो मेरा की बंदी है, ये तो इस तरह सोचती है, और ये जो सोचे है ना, ये बस आपको कहीं ना कहीं लेके जरूर जाती है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबीना तुम्हारे साथ काम करके, और कश में काम करने का और ये स्क्रिप्ट एक्सेप्ट करने का, बहुत शुक्रिया. हिरा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत सिखाया है एक्टिंग के अंदर भी और एक्टिंग के अलावा रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में एक्टिंग के बहुत अंदर तो सिखाया है. बिल्कुल नहीं सिखाया, नहीं, एक्टिंग में तो सिखाया है, आप अच्छा. बहुत अच्छी और पक्की हैं, उसमें तो आपको कोई ना कुछ सिखा सका. बट रोमांस मैं मेरा देखती देखा, हूँ कि यार मेरा चलो रोमांस मैंने तो अभी देखा. पिछले 10 साल और भी काम किया है, या चलो ये मेरा कोई पांचवा छठा ड्रामा है, बस कर दो सबीना, तुम बहुत प्यारी और कमाल एक्टर हो, और इंशाल्लाह इसी तरह अच्छा काम करती रहो, और बहुत अच्छा है थैंक यू हीरा, थैंक यू सो मच. और आई बड़ी, और बड़ी इंसान. बात है कि आप, अभी मैं सुन रही थी जुनेद के साथ आप बात करी थी कि आप कश्फ की ये शूट की मैं बात करना चाह रही हूँ, कि बड़ी बात है आप उसके साथ बैठ गई थी बाइक पे, ये भी आपका एक ट्रस्ट और अच्छाई है. किसी पहले रास्ते पे मैं नहीं बैठी थी, पता है मैंने कभी नहीं बैठी. मैंने कहा आप प्लीज, जब हारा मुझे उससे बैठ के आगे जा रहा था, मैंने कहा नहीं ये अकेले आगे जाएंगे और मैं मैं ऊपर से बिल्कुल देख एक्शन के टाइम, रही और मैंने कहा मैं बिल्कुल एक्शन के टाइम पे बैठू, मैंने कहा मैं नहीं बैठ रही. यार मुझे तो नहीं होता ये एक मुश्किल चीज है वाकई में, लेकिन ये कि इतने कम ऐसे. टाइम में जल्दी से अपना नाम बना लेना, और अब बता देना कि सबीना भी कुछ है, और अपनी चीजें दिखा देना, और माशाल्लाह कमर्शियल्स भी तुम बहुत करती हो, और तो ये एक बहुत बड़ी बात है. तो मैं हमेशा उन लड़कियों को बहुत सपोर्ट करती हूँ जो अपनी मेहनत पे, और अपनी मेहनत पे बिलीव करती हैं, और अपने टैलेंट पे बिलीव करती हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और मैं बहुत खुश होती हूँ और बहुत दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए. लेकिन मुझे बताओ, क्वारंटीन क्वारंटीन कैसा गुजर रहा है भाई? मेरा अच्छा गुजर रहा है, बस सही है. मतलब यहाँ पे अच्छा है, थोड़ा बहुत बंदा बाहर चला जाता है यहाँ पे, चीजें पार्क है, कोई अच्छी जगह है, तो ये थोड़ा सा है. वहां पे मुझे पता है ये चीज लैकिंग है पाकिस्तान के अंदर, तो पता नहीं वहां पे कैसा गुजर रहा है. कुछ नहीं, हम छत पे इब्राहिम के चले साथ जाते हैं बिजी 5 बजे. होंगी. इब्राहिम तो सबीना वो मेरी गोद से नहीं उतरता, और बिल्कुल बेबी बन गया है, और वो इतना खुश है, कहता है कि मम्मा ये तो कोरोना तो गिफ्ट है मेरे लिए कि आप मेरे पास घर पे हैं. तो मुझे इस बात पे थोड़ा रोना भी आ गया कि उसको तो इतना पसंद आ रहा है कि मम्मा घर पे हैं. बार बार कहता है आपने काम छोड़ दिया ना,
آپ نے چھوڑ دیا نا کام. میں بولتی ہوں ہاں بیٹا میں نے کام چھوڑ دیا, میں تمہارے ساتھ گھر پہ ہوں. تو ہی از ویری ہیپی. رات کو 4-4 بجے بھی مجھے اٹھاتا ہے کہ مجھے فلانا چیز کھانی ہے یا تل دیں کچھ یا ایکس وائی زیڈ واش روم جانا ہے. بالکل بیبی بن گیا, بیبی بن گیا ابراہیم. بہت کیوٹ ہے ابراہیم. اچھا میں ابھی چونکہ سارے لوگ میسج کر رہے ہیں, ہیرا یہ آپ کا ریپلائی بھی چاہ رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں. ہیلو ہیلو, تھینک یو سو مچ فار میسجنگ. اور ہیرا ابھی مجھے آیا ہے, کسی نے ٹیگ کیا ہے کش کے او ایس ٹی کے اندر. آ گیا ہمارا وہ او ایس ٹی جو بام. بائے دی وے ہمارا او ایس ٹی آ گیا ہے اور آپ کا جو کٹ لگا ہوا ہے وہ بہت پیارا ہے. نہیں مجھے اپنا کٹ نہیں, میں نے کٹ نہیں دیکھا کیونکہ میں اس ٹائم کام کر رہی تھی تو میں نے نا یہ لگائے ہوئے تھے, لیکن ویڈیو نہیں میں نے دیکھی. لیکن وہ گانا جو ہے نا ہمارا او ایس ٹی بہت پیارا گانا ہے اور بہت اچھا دانش بھائی نے اس کو شوٹ کیا ہے اور یہ کمال گانا ہے, دل میں بیٹھ جانے والا گانا ہے. دانش سر کی شوٹ کی تو کیا بات کر, بہت مزہ آیا مجھے ان کے ساتھ پتا کام کر کے, اتنا مزہ آیا مجھے. مجھے نا ہیرا مجھ سے نا زیادہ لوگوں نے, مجھ سے زیادہ لوگوں نے نا کبھی کوئی انٹرویو نہیں کیا, لیکن جتنے لوگوں نے بھی کیا نا ایک سوال ہوتا ہے ضرور کہ آپ کیا بدلنا چاہتی ہیں ایکٹنگ کے اندر. تو میں سب کو یہ کہتی تھی کہ میں نا یہ جو بال ایک آگے آ رہا ہے اس کو ہٹانے یا یہ پرفیکشن جو ہوتی ہے نا ٹی وی پہ, مجھے وہ نہیں اچھی لگتی تھی. میں کہتی تھی مجھے کسی ایسے بندے کے ساتھ کام کرنا ہے جو میں صبح سو کے اٹھوں تو لگے کہ میں صبح سو کے اٹھی ہوں, یہ نہ لگے کہ میں جو ہوں نا رات میں واپس اٹھ گئی ہوں, ایسا نہ لگے, پتا چلے کہ میں صبح میں اٹھی ہوں. اور وہ نیچرل جس طرح سے دانش سر کروا سکے ہیں, میں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح سے کام نہیں کیا, بہت نیچرل انہوں نے شوٹ کرایا ہے. بہت میک اپ تو مجھے کرنے نہیں دیا اس پلے میں, اور جب زیادہ ہم لوگ لپسٹک یا ٹینٹ لگا لیتے تھے تو کس قدر ہمیں لانتے پڑتی تھی دانش بھائی. بات میں تو بہت سنی 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 کو جو میں نے کیا کیا دانش بھائی, یہ لوگ خود ہی یہ کہہ رہی اور آپ خود کرتی تھی, یہ لوگ خود ہی لگا خود ہی پکڑ کے نا جلدی جلدی جب سین سے پہلے کچھ نہ کچھ لگا لیتے تھے اور وہ اتارا جاتا تھا بعد میں. ہمیں میک اپ کی بالکل اجازت نہیں تھی, یہی شکلیں ہیں ہماری. ایک دن جو ہے وہ میں نے ٹینٹ لگا لی تھی زیادہ, آؤٹ ڈور سین تھا یاد ہے, تو سبینہ نے کہا ہیرا یہ آپ اتار لیے, میں آپ کی بےزتی ہوتے نا دیکھنا نہیں چاہتی, مجھ سے دیکھی جائے گی. ہم گر جاتے ہیں کش کے سیٹ پہ, فرش پہ گر جاتے ہیں ہم, ہم بہت سچے گر جاتے ہیں سچوں پہ. اچھا بائی دی وے جون میں ہم دوبارہ کش کی شوٹ پہ ہوں گے انشاءاللہ, جو کہ پینڈنگ رہ گیا ہے, تو مجھے جون کا بہت انتظار ہے. اور جب تک ہوپ فلی سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور سبینہ تم واپس آ جاؤ یہاں پر, تو تھینک یو سو مچ. اور میں اب جاؤں گی, میں جاؤں گی کیونکہ آپ بہت دیر سے, آپ ہیرا جانو بہت دیر سے کیونکہ لائف کر رہی ہیں تو مجھے پتا ہے تھک گئی ہوں گی اور بچے بھی آپ کو تنگ کر رہے ہوں گے. ایک بات میں کہنا چاہوں گی, آپ کا غلطی ڈرامہ میری بہن فالو کر رہی ہے, میری ماما فالو کر رہی ہے, وہ ہر ڈرامہ فالو نہیں کرتی, اور میں بھی فالو کر رہی ہوں. بالکل غلطی بہت اچھا ہے آپ نے. اب مجھے کیونکہ اسٹوری تھوڑی بہت پتا ہے, لیکن مجھے ابھی پلیز یہ نہیں چاہیے ڈرامے میں کہ آپ اس سے دوبارہ الگ ہو جاؤ, ابھی بہت اچھا چل رہا ہے. پلیز مجھے عجیب سا ہے. ہائے سبینہ, چلو ٹھیک ہے میں ڈسکلوز تو نہیں کروں گی, لیکن بہت گڈ لک تمہارے لیے. اور یہ تمہارا تھرڈ پلے ہے, تھرڈ پلے ہے کش, تھرڈ فورتھ, ہاں فورتھ پلے ہے, اور بہت جلدی تم نے بہت شہرت حاصل کر لی. اللہ تعالیٰ تم ایسی کام کرتی رہو اور بہت میری گڈ بکس میں ہو, اور اپنا بہت خیال رکھنا آسٹریلیا میں, اور کیپ ان ٹچ, اور کش آئی لو یو ٹو میری جان, خوش رہو. بائے 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 بائے.